स्वागत है दोस्तों आप लोगों का बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज में। आज ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि कॉमेडी मतलब कॉमेडी इंडस्ट्री समझिए तो उसमें बवाल मचा रहे हैं, मनी मेरा जी से। कैसे हैं मनी मेरा जी? जी अच्छे हैं भाई, अपना बताइए। हम तो मस्त हैं। तो एक बात बताइए आप कि आप मतलब कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस यहाँ तक आने के लिए, तो आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट किया 2019 से, लेकिन आप सोच लीजिए कि मैं इस काम में जब मैं 12 साल का था तब से। जी जी बिल्कुल। तो एक बात बताइए आप हमको कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर फेक न्यूज़ बना रहे हैं, तो पूरे जो भी भाई मेरे फेक न्यूज़ बना रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? कुछ देखिए अब क्या करें, हम इतना लोग बना रहे हैं फेक न्यूज़, अभी बनाइए आप लोग। हम लोग कहाँ के लिए फेक बनाए? आप लोग नहीं, उन लोग बोले। तो बोल रहे हैं कि एक बात बताइए आप हमको कि आप मतलब कॉमेडी बहुत अच्छे करते हैं, जैसे बंटी भाई हैं उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कॉमेडी जो कि अच्छा लगता है, कोई डायलॉग हो जो कि अपने ऑडियंस लोग को सुनाइए। एक डायलॉग जो है ज़्यादा करके फेमस है अभी क्रिकेट वाला, बंटी अगर लड़की रहते थे हमसे पढ़ते कि ना पढ़ते। जी जी। तो एक बात बताइए कि एक मैं फेक न्यूज़ देखा था जो कि उसमें लोग बता रहे थे कि मनी मेरा जी का 2 करोड़ का घर है, क्या ये सही बात है? नहीं भाई, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से 2 करोड़। ये तो फेक न्यूज़ है, आप जानते हैं। ये जी, तो फिर जी, जी। कुछ नहीं भाई, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास के भी नहीं थे और आज भी गरीब हैं, बस जनता का प्यार मिलता है, वीडियो चल रहा है, दूसरा कैसे। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप वीडियो जैसे बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है, जैसे मतलब पहले प्लेटफॉर्म पे इस काम कर रहे थे यूट्यूब पे, तो इससे भी पहले का मतलब कहीं पे वीडियो बना रहे थे? नहीं, टिकटॉक पे थे हम लोग, शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे। वहाँ और कितना ऑडियंस था? वहाँ बहुत अच्छा लगता था, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते थे। जी। तो एक बात बताइए कि टिकटॉक जब बैन हो गया तो उससे आपको कुछ लगा? कुछ अकेला थोड़ी हुआ, सबका हुआ, भाई पूरा इंडिया में बैन हो गया। जी जी। अगर मेरा पर्सनली बैन होता तो मुझे दुख लगता है, पहले थोड़ा दिन थोड़ा डिप्रेशन में रहते थे कुछ दिन। तो मतलब उसमें गलत कदम नहीं उठाए आप, तो सबसे बड़ी बात है। बट एक बात बताइए हमसे, क्योंकि सबका बंद हुआ ना भाई, अकेला बंद। तो यूट्यूब पे मतलब आए और इतना फैन फॉलोअर जो कि आपका टिकटॉक पे था वो इस पे लाए, तो आपको मतलब कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे हम। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आप जाने वाले हैं, कोई फिल्म आने वाला हो? देखिए आप लोग का प्यार रहा तो बहुत जल्द आएंगे। जी जी, मतलब जी। बात तो चल रहा है क्या? बिल्कुल होती है जी। और एक बात बताइए कि आपके फेवरेट जो कि एक्टर वो कौन से हैं? हमारे फेवरेट एक्टर सभी फेवरेट है। जी जी। मतलब आप किनके साथ चाहेंगे कि सबसे पहले मतलब मूवी हो जाए तो अच्छा रहता? ऐसा कुछ नहीं, किसी के भी साथ। जी। तो जाते जाते बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज़ के ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिए? बीएस रिकॉर्ड के माध्यम से जितने भी देखे भाई, आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि भाई 530 किलोमीटर से चल गया है। जी जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने दूर से आना और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। तो मेरा नाक जाम हो गया है, तो इसके लिए आप बुरा नहीं मानिए, और सर्दी हो चुका है, तो आप लोग भाई सपोर्ट कीजिए चैनल को, बीएस भोजपुरी क्या है रिकॉर्ड, फिर से भूल गए थे, बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी। तो चलिए बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज के जितने भी दर्शक है जो भी देखे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा मनी मेरा जी से हम जो कि आप लोग के बीच जो रूबरू कराए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।